अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुनर लेस चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बड़े बढ़िया है। तो आज है 19 नवंबर और अभी बजने वाले हैं कुछ ही देर में 12। कितने बज रहे? 12 बजने में टाइम है, 10 मिनट बाकी है तो लग जाएगा 20 नवंबर। ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है अभी से, हमारी होने वाली है एनिवर्सरी 12 बजे से स्टार्ट, तो हम करने वाले हैं छोटा सा सेलिब्रेशन। तो आप इस व्लॉग को कंटिन्यू जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आइए अभी हम आपको लेके चलते हैं हमारे साथ ये वीडियो के एंड तक। एनिवर्सरी मतलब जेब खाली होने वाली, भाई तैयार हूँ मैं भी तैयार हूँ, देखते हैं ना कितनी झाक। ये भी तैयार है जेब खाली करने के लिए। वेरी गुड बेटा, सब मतलब सब लोग तैयार हो मतलब मेरी जेब काटने के लिए। तुम लोग क्या करना चाहिए यार, ये एनिवर्सरी का रूल ही चेंज कर देना शिमरे गर्ल से। क्या बोलते, एनिवर्सरी बनाने का ही नहीं, क्यों एनिवर्सरी बनाने का, एक बार बना लिए ना, शादी हुई बना लिए बस। एक बार मना दिया, हुई है शादी, हाँ बर्बादी की आंसू बहा रहा है, शादी और क्या बोले, अभी बस अभी मजबूरी है तो बोल दे, गाना गा खाली ना। बस ऐसा है कि इनके हाथ में गन नहीं है, वरना वैसा गन रख के क्या भाई चाहिए वो। चलो मेरे को कुछ नहीं करना है, फिलहाल कुछ नहीं, छोटा मोटा हम लोग अभी फिलहाल जा रहे हैं थाने मेरी में, फ्रेंड का कॉल आ रहा है तो थाने में फिलहाल जा रहे, छोटा मोटा फालूदा वाला फिर निपटा डालूंगा, थोड़े छोटे में निपटा लूंगा, छोटे में निपटा। चलिए चलो, सी यू गाइस। हाय, तो जैसे आप लोग जानते हैं हुनैरा ने सरप्राइज प्लान किया है नदीम भाई के लिए, उन लोगों की एनिवर्सरी है आज। तो अब हम लोग ने डिसाइड किया था कि हम लोग कॉल करके उन लोगों को नीचे बुलाएंगे कि हम लोग ऐसे ही राउंड मारने जा रहे हैं। तो अब मैं कॉल कर रही हूँ हुनैरा को ताकि नदीम भाई को कुछ डाउट ना हो। हेलो हेलो, हाँ हाँ, क्या कर रही हो हुनैरा? बस बैठी हूँ। अच्छा, हम लोग जा रहे थे राउंड मारने, चल रहे हो क्या तुम लोग? थाने तक जाते हैं ना, थाना तक जाते हैं, चलते ना जी, तलाव पानी जाकर आते हैं। तो रात भर थोड़ी जाने का है, बस जाके बाबा फालूदा जाकर आते हैं, फालूदा खाकर आते हैं, बाबा फालूदा खाकर आते हैं। हाँ, मेरे को भी लेके जाएंगे इसको। चलो ठीक है, आ रही है, बोल। चल रहे, निकल गए हम लोग, मैं कार में ही हूँ। निकल गए तुम लोग? हाँ, मैं तो तैयार भी नहीं हुई हूँ। तो हो जाना, मैं जब तक पेट्रोल पंप जा रही हूँ जब तक रेडी हो जा। अच्छा ठीक है, चले। वैसे मुझे मेकअप थोड़ी करना है। ओहो, चलो ठीक है, चलो बाय, रेडी हो जा जल्दी। हाँ, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, हमारी शादी को पूरे 6 साल कम्प्लीट होकर 7th ईयर लगने वाला है। तो आज मैं आई हूँ मेरी फ्रेंड के साथ, नदीम को सरप्राइज प्लान कर रहे हैं हम लोग। ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी बेस्टी कम सिस्टर, ये है वो। आपने मेरी जैसे पहले मोहम्मद अली वाली एक ब्लॉग में आपने देखा होगा जिसके साथ हम लोग मोहम्मद अली रोड गए थे, ये मेरी हर प्रॉब्लम हर खुशी हर दुख में हमेशा साथ देने के लिए आए जाते हैं, कभी भी किधर भी रहे हमेशा मेरे लिए रेडी है, दुख देने के लिए नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, खुशी देने के लिए और प्रॉब्लम को हटाने के लिए ये हमेशा रेडी है मेरे। तो आज हम लोग नदीम के लिए कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। बहुत बड़ा भी नहीं मतलब छोटा है, बट उनको अच्छा लगेगा। मेरे लिए बहुत बड़ा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ उनके लिए कर रही हूँ ना, इसके लिए ड्रीम जो खुद के लिए चाह रही थी कि इसके लिए नदीम भाई करे, लेकिन अफसोस तो कोई नहीं सोचा कि मैं कर दूं। हिंट भी दिया है इसने, नदीम मुझे ये सरप्राइज चाहिए, मुझे ऐसा करना है, लेकिन उसने कभी नदीम भाई ने सीरियसली नहीं लिया। हाँ, तो जब मैं इसको नदीम भाई के लिए कर देती है ना। हाँ, तो अभी मैं कर देती हूँ, तो फिर देखते हैं कैसा जाएगा आज का ये ब्लॉग। आप एंड तक जरूर मेरे ब्लॉग को जरूर देखना, वीडियो स्किप ना करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिए हमारे सरप्राइज को। तो ये है कार की डिक्की, तो अभी हम इसमें कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग को देखने बहुत मजा आने वाला है। तो अभी चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे, क्यों शाइन, तो हम लोग की स्टार्ट। रिबिन है ना, उसी के अंदर है ये देखो। तो हमने स्टार्ट कर दिया है हमारा, तो
हमारा कुछ प्लान इस तरह है कि हम इस कार की डिक्की को डेकोरेट करने वाले हैं बलून्स और क्या है कार्ड्स है रिबिन्स है, इससे हम लोग डेकोरेट करने वाले हैं। और इसको अच्छे से डेकोरेट करने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए मेरी फ्रेंड की मेहनत चल रही है। नहीं ओके ठीक है चलेगा। बिचारी मेरी फ्रेंड बाहर से थकी आ रही आई और मेरे काम पे लगा दी। सब मैंने ही हाँ पूरा के पूरा इन्होंने ही किए हैं। तो आपकी फ्रेंड की भी तो एनिवर्सरी है ना, सिर्फ नदीम की एनिवर्सरी थोड़ी है। हाँ तो नदीम भाई सरप्राइज उनके लिए हम कर रहे हैं। मिलना चाहिए मैंने। हाँ डेकोरेट देखो कितना अच्छा आपकी फ्रेंड ने की। तो अभी ये हमारी कार खिड़की सच के रेडी हो चुकी है पूरी तरीके से, अच्छे से हम लोग ने इसको डेकोरेशन कर दिया है। और ये मेरा प्लान सक्सेस करने में सबसे बड़ा हाथ इनका है। कैसा लग रहा है डेकोरेशन? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अभी देखना नदीम कैसे सरप्राइज होंगे। हाँ वहाँ जब पहुंच जाएंगे हमारे लोकेशन पे वहाँ हम ये सब करेंगे। देखते बंद करके पहले। हाँ बंद करके देखो हो रहा है सब सही से। नहीं नो 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 डन टू थ्री हाँ पर उनको तो ऐसा खोलते हुए नहीं दिखाएंगे। नहीं वो लोग तो मतलब जाएंगे वो लोग बहाने से अपन कहीं भेज देंगे फिर अपन थोड़ा बहुत सेटअप कर लेंगे ना। हाँ फिर बंद नहीं करेंगे ना जब। चलो ठीक है ठीक कर लेंगे सब। पहुंच चुके हैं नीचे। बहुत आवाज आने वाला है पहले बता दे। आवाज सुनाई देगा? आवाज सुनाई नहीं देगा। आपसे ब्लॉग का एंजॉय करते रहना। जितनी आवाज आती है उस हिसाब समझ लेना कि मैं क्या बोल रही हूँ। अभी मेरा फ्रेंड्स लोग आ चुके हैं यहाँ पे। गाड़ी गाड़ी पार्क किए हुए अभी यहाँ पे। अभी आ रहे हैं तो बस थोड़ी देर निकलते फिर बाद ब्लॉग बनाते। तो फिलहाल जाने की पूरी तैयारी। सुलेमान किधर है? मैं कार में बैठ रही थी, मुझे नहीं पता था कि वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और हमारे सरप्राइज में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं और शाइन वही डिस्कस कर रहे थे, उसमें नदीम अचानक से आ जाते तो आप अगली क्लिप में देखोगे कि मैं कितनी शॉक हो गई। मुझे लगा उन्होंने कहीं कुछ सुन तो नहीं लिया। मोहतरमा जी आ चुके हैं। मैं अपना थोड़ा खाने का जुगाड़ कर रही थी। अरे क्या हमेशा खाना करते रहते हो यार। ये ना ये 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 लोग है ना, ये लोग दोनों कुछ बातें कर रहे थे, मैंने सुन लिया था हल्के से लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। क्या बोलता बड़ा भाई? क्या चल भाई? व्लॉगिंग चालू है। बोलते थे व्लॉगिंग चालू है भाई। सडन ही निकलना अच्छा रहता ना। और क्या बोलता भाई? सब ठीक। कटने वाला दिन आ गया ना, देखो ना भाई क्या करने का यार। कट चुका है 6 साल पहले। अब ये रोज काटते लोग मुझे मतलब बताते रहते भाई कि और कटना है मुझे। गाड़ी में बच्चा पार्टी भी आ गई है। क्या बोलते बच्चा पार्टी? तुम लोग क्या खाने वाले हो आज? आइसक्रीम और क्या है ना? आइसक्रीम। पापा आए थे। मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ। जो मैंने इनके लिए सरप्राइज प्लान किया है वो अभी इनको देखते हैं। हम इनको देखे कैसा लगता है। चाहे छोटा सा सरप्राइज बट मजा आएगा ना कुछ अलग करते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। हम लोग खाना चौपाटी पहुंच चुके हैं जो हमने सरप्राइज नदीम के लिए प्लान किया था। वैसे नदीम का मूड तो थोड़ा ऑफ है। उनकी मम्मी का रिसेंटली ऐसा हुआ है, 2.5 महीना ही हुआ है उनको उनको गुजर के। तो मैं सोची उनको कुछ बड़ा नहीं कर सकते हम, तो कुछ छोटा प्लान कर ले। क्या बोलते शाइन?
इसलिए इसमें छोटा सा प्लान कि उनका मूड को जरा हैप्पी करने के लिए। अब देखते हैं उनका रिएक्शन, कहीं वो नाराज ना हो जाए। नहीं नहीं, आई होप सो। चलो देख, तो ये हमारा है सेटअप। अब हम इस पे केक लगा देते जल्दी से शाइन। चलो सहर, कैसा लगा? अच्छा लगा। ये कौन छुपाया था? मम्मा ने सब छुपाया था। हाँ, आपसे ही छुपाया बेटा, क्योंकि आप ही सब हमारे दो। मेरी जो ये मैडम है ना, मैंने इनके घर पे ना मेरा केक छुपा के आई थी और ये केक घर पे ही भूलकर आ गए। मुझे डाउट हाई जिन पे कि ये भूलकर ही जाएंगे केक। मेरे दिल से ही आवाज आ रही थी कि ये होने ही वाला है, पर मैंने अरेंज की ना। हाँ देखो, पर इन्होंने मेरी जान बचा लिए। ये है हमारा आज का केक। ये है शाइन, ये है सर। नहीं नहीं नहीं, कैंडल्स का है, कैंडल का है, पता चला वो लोग आ गए। इस पर ध्यान दे, तू इस पर। हाँ सहर, इधर साइड पे बेटा खड़ी रहो। ये क्या मम्मी? कहने की? हाँ बना दो, सेल्फी के लिए चलेगा ना, फोटो क्लिक करने के लिए। ये मेरा क्यों छुपाई थी? ऐसे ही क्यों? अभी घर पे लेके चले जाएंगे। हाँ ठीक है। अभी नदीम आ रहे हैं, चलो देखते क्या होता है। कैमरा मैं ऑन रखूंगी, बट मैं फ्रंट में नहीं रह पाऊंगी। फालूदा मैन फालूदा लेके आ गए। ये सब क्या हुआ? जरा सब लोग बॉम्ब फोड़ देने गए। कैसा लगा? सीरियसली एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं ना, नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए ये सब करी मैंने। मतलब मम्मी का ऐसा हुआ था तो उसके बाद एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब ऐसा सेलिब्रेशन, मतलब ये। हाँ तो इसलिए कुछ सेलिब्रेशन नहीं कर रहे ना। हाँ छोटा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मेरे को सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरी फ्रेंड शाइन ने करी। थैंक यू सो मच मोहतरमा जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बड़े भाई। प्लान मेरा था, पर इन लोग दोनों नहीं होता तो मैं प्लान सक्सेस कैसे करती? लास्ट ईयर का भी वीडियो था जिसमें इन लोग ने बॉम्ब फोड़े थे। हाँ लास्ट ईयर का है, दो जन थे वो, यही दो जन थे। हाँ लास्ट ईयर भी लोग, लास्ट टाइम क्या होता भूल गए? अरे वो लास्ट टाइम नहीं, अपने गया था लोना वाला, गए थे डांस करवा दिया था, नहीं आने का करवा दिया। सहर नो, वो क्लास सिक्स भी अंदर है। सिक्स एनिवर्सरी दिखा नहीं तुम्हें? अच्छा सिक्स था नहीं, सेवन ले रही वो तो हम लोग ने कैलकुलेट किए। सिक्स भी अंदर है, सिक्स एनिवर्सरी का भी वो भी अंदर है। कैसा लगा? सुपर। केक मैं घर पर लेके गई, रेड वेल्वेट केक लेकर आई थी। तो दूसरा केक ये, वो केक उन लोग घर पे भूल गए। तो वो घर वाला क्या होगा केक? वो घर पे रह गया, भूल गए। हाँ याद करते हो यार तुम लोग, मतलब ये ऐसा करे है। क्या लेने का, लेकिन डबल डबल ले, घर पे कर लेते थे हम। चलो लोगे, चलो ऑन कर को बोलो ना, तुम उसको दे दो ना। जोर ये करोगे आएगा ना, पता है ना? देखो एरो ऐसे घूमो, मतलब इसको ऊपर वाली को ऐसा और नीचे वाली को ऐसा। अभी नहीं, जब बोलूंगी तब। मैं रिश्ता निभा रहा हूँ भाई। जल्दी मेरी है, तुझमें अब तक आग बची है। चलो 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 जोर करो। हाँ कम ऑन जोर,
तुम वो बंद कर दो, तुम कर लो वो। नहीं नहीं वो ऐसे ही दिया ना उसको। वो मान नहीं रहा हूँ। जो मैं शूट लूँ, पिलाओ अभी। हाँ। लाओ मुझसे ही होगा, छोड़ पर नहीं बांध रहा। अब होगा होगा। One, two, three. हम लोग के एनिवर्सरी हो। अरे पूरा फालतू में गया देखो। उठा लो भाई। शेर मम्मा क्या कर रहे हो, मजा आ रहा है? So guys, ये दोनों गुंडे हैं हमेशा जो हम लोग के टाइम पे आ जाते हैं एनिवर्सरी के बीच में, यही तो आते हैं हमेशा बॉम्ब फोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया है, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अरे अरे खुश हो ना, मेरे पास वर्ड नहीं है भाई बोलने के लिए, क्या बोलूं। और कुछ नहीं चाहिए था, तुमको हैप्पी करना था, इसके लिए हम ये सब प्लान करे। ये से नेक्स्ट ईयर का एंडिंग शुरू करते करेंगे भाई, अभी अभी तो उम्मीद तो बढ़ गई है। नहीं अभी तुमको कुछ करना है, अभी भी कटू, अभी भी कटू। ये हमने सिखा है कि ऐसा सरप्राइज होता है, ऐसे एनिवर्सरी होती है। ये दो लेसन तुम रिवाइज करो और थर्ड ईयर में तुम कर लो। सरप्राइज प्लान में तुम लोग ही करो, वही अच्छा है। मैं इसमें डब्बा हूँ, मेरे को नहीं समझ में आता। ऐसा नहीं होता है, करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो गाइस थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया यार, बहुत मजा आया। अभी हम लोग फिलहाल थोड़ा बहुत टाइम पास करेंगे और निकलेंगे घर के लिए। बाय गाइस, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी।